राजू और प्रिया की मां रागिनी गोयल 24 अप्रैल को कहीं जाने के लिए घर से निकली पर वापस नहीं आई। अंकल हमारी मम्मी खो गई है। खो गई है मतलब? ये रागिनी जी हैं, ये अक्सर मेरी शॉप पे आती हैं रिचार्ज के लिए। तुम लोगों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? पहली बार नहीं हुआ है सर कि वो चली गई और लौटी नहीं। इससे पहले भी वो ऐसे ही चली गई थी और एक महीने बाद लौटी। खबरी के जरिए पता चलता है कि होशंगाबाद में रागिनी का किसी संतोष गुप्ता से अफेयर चल रहा था। नहीं सर, रागिनी के कॉल रिकॉर्ड्स में तो किसी संतोष गुप्ता का नंबर नहीं मिला। पुलिस को 28 अप्रैल को रागिनी की लाश भोपाल में ही एक नाले के पास मिलती है, पर तभी खबरी से पता चला कि रागिनी भोपाल के अलग अलग सस्ते लॉजेस में एक दूसरे ही आदमी के साथ अक्सर आते हुए देखी गई थी। पुलिस को उस लड़की की लाश मिल गई है। मैंने रागिनी का आईपी एड्रेस निकाला और ये उसका दूसरा नंबर था, 444-6218। लास्ट बात इनकी 23 अप्रैल को हुई थी। फ्रेंड स्क्वायर से 22 अप्रैल की मुझे रागिनी की एक और चैट मिली जो संतोष गुप्ता के साथ। वो सब कहाँ मिलेगा पता है तुम्हें? सर संतोष तो एक साल पहले सिंगापुर चला गया। मैं और करण दुबई में है, बहुत जल्द तुम्हारी भी टिकट आ जाएगी। वो लोग हम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इस शेखर का पूरा नाम शेखर प्रजापति है, हमारे दूर का रिश्तेदार है सर। 3 दिन पहले शेखर की पत्नी सुमित्रा का फोन आया था सर, पूछ रही थी वो मुझसे मिला क्या। अब पता चला कि ये रागिनी से मिलने आता था। राजू प्रिया मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। ये तो शेखर है, जानता हूं मैं इसे सर, ये रागिनी का दूर का रिश्तेदार। तो फिर तुम्हें ये कैसे नहीं पता कि शेखर अक्सर तुम्हारी पत्नी को मिलने भोपाल आता था? 444-6218 ये तुम्हारी पत्नी रागिनी का फोन नंबर है, दूसरा फोन नंबर। रागिनी के पास दूसरा फोन भी था? कभी पता है ना उसको मुझे सर। रागिनी अब तक सब्जी काट रही है तू? बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो चुके हैं, टिफिन कब बनाएगी? मां भी बना देती हूं। रागिनी किसे बात कर रहे हो इतने रात गए? किसी से नहीं, देखो मैं गेम खेल रही हूँ, बस खत्म ही होने वाला है। मैं कसम खा के कहता हूँ रागिनी हमेशा फोन पे रहती, पर वो किससे बात करती थी, क्या मैसेज करती थी सर, मुझे मुझे सचमुच कुछ नहीं पता सर। रागिनी पिछले 3 साल से इस दूसरे नंबर से अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पे एक्टिव थी और रागिनी के उसी सोशल मीडिया अकाउंट से हमें शेखर प्रजापति और संतोष गुप्ता के बारे में पता चला। एक मिनट सर, संतोष गुप्ता के बारे में सर आप ही ने मुझे बताया, पर ये शेखर के बारे में सर मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है। सर ये शेखर रागिनी का दूर का रिश्तेदार है, लेकिन मुझे नहीं पता वो रागिनी से छुप छुप कर मिलता था, पर अगर पता होता सर तो मैं आपको क्यों नहीं बताता सर, बोलिए ना सर। सर मैं पंचों की कसम खा के बोल रहा हूँ सर, मुझे रागिनी के बारे में बहुत कुछ नहीं पता सर। रागिनी गोयल शेखर भोपाल में रागिनी से मिलने जाते थे? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो हमेशा उन्होंने यही बताया है कि वो भोपाल काम के सिलसिले में जाते हैं। सुमित्रा जी ये रहे शेखर के चैट रिकॉर्ड्स, पिछले 1 साल से वो दोनों भोपाल के अलग अलग लॉजेस में मिल रहे थे, हमने लॉज के मालिकों से भी कंफर्म किया है। हाँ ये था शेखर प्रजापति नाम इसका, नाम तो कभी पूछा नहीं पर हाँ आदमी यही था। सर मैंने सारे लॉजों के मालिकों से बात की, पता चला है कि पिछले 1 साल से शेखर प्रजापति ही रागिनी के साथ अलग अलग लॉजेस में जाकर ठहरा था, सबने फोटो देखकर कंफर्म भी किया है कि यही आदमी था। 24 अप्रैल को ये दोनों कौन से लॉज में रुके थे? क्योंकि 24 अप्रैल को शेखर रागिनी से मिलने भोपाल आने वाला था। अब हमें अपने रिलेशनशिप को नए सिरे से देखना होगा, नई शुरुआत करनी होगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रागिनी। रागिनी मैं कल भोपाल आ रहा हूँ, कल मिलते हैं। सर मैंने जितने लॉजों में पता किया 24 तारीख को ये दोनों उनमें से किसी में नहीं गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है बबलू, 24 अप्रैल को शेखर रागिनी से मिलने भोपाल आने वाला था, तो ये दोनों कहीं तो रुके होंगे। अच्छा सुन, हमें शेखर के घर का पता चल गया, तू लग जाए संतोष गुप्ता के पीछे, पता कर इसका ठिकाना का, ये सिंगापुर में तो नहीं है, इसका फोटो मैं तुझे भेजता हूँ। हाँ चलो। हमारे पास इसका मैसेज है, उसने 22 अप्रैल को मैसेज किया था कि वो रागिनी से मिलने भोपाल आ रहा है। रागिनी मैं भोपाल आ रहा हूँ और इस बार तुम्हें अपने साथ सिंगापुर लेकर ही जाऊंगा, पिछली बार तुमने चीजें अधूरी छोड़ी थी, उसे अब पूरा कर दो प्लीज। रागिनी मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये रागिनी के 2 बच्चे हैं, पति है, घर है, ऊपर में 2 एक्स्ट्रा साइड में प्यार करने वाले भी है, इसको लाइफ में और चाहिए क्या था? अब उसे लाइफ में क्या चाहिए था क्या नहीं ये तो हमें नहीं पता, हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम कातिल को जल्द से जल्द पकड़ें।
तो जोर शोर से काम पर लग जा। शेखर और संतोष, इन दोनों को हमें जल्द से जल्द पकड़ना है। मम्मी, पापा हमें छोड़ के नहीं जा सकते, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें ये सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होगा। अनीता, सुमित्रा जी, ये सच है, हमें ये मैसेजेस रागिनी के चैट रिकॉर्ड में से मिले हैं। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि शेखर मुझे धोखा दे सकते हैं। शेखर इस वक्त कहाँ छुपे हो सकते हैं? अब मैं नहीं कह सकती वो कहाँ जा सकते हैं। अगर शेखर फोन करे तो आप हमसे छुपाइएगा मत, बहुत सारे सवाल हैं जो हमें उनसे करने हैं। सर, अगर संतोष सिंगापुर में आपका फोन नहीं उठा रहा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी खुद उससे 3 महीने पहले बात हुई और इसी नंबर पर। जो मैंने आपको नंबर दिया है उसका, सिंगापुर का, वही उसका नंबर है। वही नंबर जो बंद आ रहा है। गौतम, हमारे पास प्रूफ है कि संतोष रागिनी से मिलने भोपाल आने वाला था। 22 अप्रैल का मैसेज है उसका हमारे पास। मुझे नहीं पता सर कि वो भोपाल आया था, अभी भोपाल में है या फिर सिंगापुर चला गया, मुझे कुछ नहीं पता सर। संतोष की फैमिली कहाँ रहती है इतना तो पता होगा तुम्हें? जी, जबलपुर में है, ये उसी ने मुझे बताया। प्रशांत की छोटी बड़ी सभी डिटेल्स निकाल। अब मुझे भी उस पर डाउट हो रहा है कि कहीं इसी ने तो रागिनी का मर्डर नहीं किया। सर, मुझे तो इस पर पहले से ही शक। शेखर और संतोष रागिनी से मिलने आते, रागिनी का मर्डर हो जाता है, उसकी लाश मिलती और उसके बाद ये दोनों गायब हो जाते। प्रशांत ने रागिनी को रंगे हाथों पकड़ लिया होगा। फिरोज, प्रशांत ने ही कुछ किया है। अगर ये 24 तारीख को फैक्ट्री से नहीं भी निकला तो भी पॉसिबल है कि उसने ये काम किसी और की मदद से किया। अगर प्रशांत ने ही रागिनी का मर्डर किया है तो सोचो बच्चों पे क्या बीतेगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी माँ का मर्डर उनके पिता ने ही किया है। सर, मैं प्रशांत की फैक्ट्री जाकर पता करता हूँ। ये पता लगाओ कि रागिनी के मर्डर में उसने किसे और कैसे इस्तेमाल किया है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुजरिम जो भी हो, हमें उस तक पहुंचना होगा। बच्चों का हक है ये जानने का कि उनकी माँ का कातिल कौन है। मम्मी की फ्लाइट मुंबई से 2 बजे की, वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी। अच्छी बात है। हाँ, वो सुनील, वो अब तक निकला कि नहीं? हाँ, वो भी निकल चुका है। अच्छा, वहां कोई पूछताछ के लिए आया था? हाँ, पुलिस को कोई खबरी आया था। ये औरत इन दोनों में से किसी एक के साथ आपके होटल में आई थी क्या? नहीं, मैंने इन तीनों को कभी नहीं देखा। थोड़ा ध्यान से देखिए ना, 24 अप्रैल को आए होंगे। अरे हाँ, याद आया, इस औरत की फोटो मैंने अखबार में देखी थी। हाँ, देखा होगा, इसका मर्डर हो गया। ओ अच्छा, आपका जरा रजिस्टर चेक करके बताओ ना, शायद आपके ध्यान से निकल गया हो। बरस साहब, रजिस्टर थोड़ा देख लेते तो। ओके, आना, पुलिस ना बहुत बेसब्री से ढूंढ रही थी। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। कुछ मिला उन्हें? पापा, घबराने की कोई बात नहीं है, उन्हें कुछ नहीं मिला। गौरव ने सब संभाल लिया, सब ठीक है। पुलिस ने शेखर प्रजापति का फोन नंबर सर्विलेंस पर डाल दिया था। उनके मुताबिक ऐसी संभावना थी कि रागिनी ने अपना मोबाइल मार्केट में स्विच ऑफ किया और उसके बाद तय की गई जगह पर वो शेखर से मिली। इसके साथ साथ पुलिस संतोष गुप्ता के परिवार को भी ढूंढने में जुटी थी, जिससे वो संतोष गुप्ता के ठिकाने तक पहुंच सके। साथ ही उन्हें यह भी अंदेशा था कि जिस आदमी से फोन ऑफ करने के बाद रागिनी मार्केट में मिली थी, वो संतोष भी हो सकता था। पुलिस संतोष और शेखर को पूरी मेहनत से तलाश कर रही थी, जो अब तक उनकी पहुंच से बाहर थे। सिर्फ ये दो लोग ही नहीं, बल्कि एक लाश भी उनकी जानकारी, उनकी पहुंच से बाहर थी। एक दूसरी लाश जिसका उन्हें अंदाजा तक नहीं था। जिस तरह पुलिस इस लाश से अनजान थी, ठीक उसी तरह उन 3 लोगों से भी बेखबर थी जो दुबई में जाकर छुप गए थे। क्या
क्या हम इंडिया वापस कभी नहीं जाएंगे? जाएंगे जानवी, क्यों नहीं जाएंगे? बस सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, एक बार ये सब ठंडा हो जाए फिर हम लोग आराम से चले जाएंगे। क्या सिर्फ एक ही लाश थी जो पुलिस को अब तक नहीं मिली थी, या फिर और भी लाशें मिलनी बाकी थी? रागिनी उस दिन घर से झूठ बोलकर क्यों निकली थी? वो कहां जाने वाली थी, क्या करने वाली थी, उसका प्लान क्या था, और क्या उसके इस प्लान के बारे में उसके पति प्रशांत को पहले से पता था? सर मैंने आपको पहले भी बताया था कि 24 अप्रैल को प्रशांत यहीं फैक्ट्री में था, और ये बात 100% सच है। प्रशांत की वाइफ का मर्डर हुआ है, और जिन दो लोगों के साथ उसका अफेयर चल रहा था, संतोष और शेखर, उन दोनों का कोई अता पता नहीं, तो हो सकता है कि हम एक ही सवाल आपसे बार बार पूछें। अब चूंकि बार बार आप ये सवाल हमसे कर रहे हैं, इसलिए मैंने उसके असिस्टेंट गिरीश से भी पूछताछ की। मैंने उससे पूछा कि 24 अप्रैल को प्रशांत के बर्ताव में कुछ अजीब था क्या? तो क्या बताया गिरीश ने? सर उसने बताया कि 24 अप्रैल को प्रशांत बार बार आके उससे कुछ ना कुछ पूछ रहा था। अब गिरीश, वो प्राइम टेल्स ऑटोमोबाइल्स का ऑर्डर निकला क्या? हाँ, वो तो कल शाम को ही निकल गया था। शाम को ही? हाँ। और हाँ, ये केपी स्पेयर पार्ट का? सर वो कैसे निकलेगा, उस ऑर्डर पे तो अभी काम चल रहा है ना। काम हुआ नहीं अभी तक। गिरीश, प्रशांत तुम्हारे पास बार बार आ रहा था, इस बात में क्या अजीब लगा था? जिस तरीके से वो उस दिन बार बार आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो ये दिखाना चाहते कि वो फैक्ट्री में ही है। मतलब वो अपनी मौजूदगी जताना चाह रहा था कि वो उस दिन फैक्ट्री में, और ऐसा वो जानबूझ के कर रहा था। अब सर जो कुछ था हमने बता दिया, क्या बताऊं मैं सुमित्रा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। प्रशांत आप जितना जानते हैं मैं तो उतना भी नहीं जानती। आपको ये तो पता है कि रागिनी नहीं रही, मुझे तो ये भी नहीं पता कि शेखर कहाँ है। पुलिस 24 घंटे हमारे घर के बाहर खड़ी है, उन्हें लगता है शेखर ने रागिनी को मारा है। प्रशांत? सुन रहा हूँ मैं सुमित्रा, मुझे कुछ नहीं पता शेखर के बारे में। शेखर और रागिनी के बीच जो कुछ भी चल रहा था, वो क्या पिछले साल इंदौर में जीतू की शादी के दौरान शुरू हुआ था? नहीं पता मुझे सुमित्रा, कुछ नहीं पता कब क्यों और कहां ये सब शुरू हुआ। लेकिन प्रशांत, जीतू की शादी में ही तो हम सब पहली बार मिले थे। शिवलाल काका भी यही कह रहे थे कि शेखर और रागिनी उससे पहले कभी नहीं मिले थे। रागिनी मेरे लिए एक पहली थी, पहली है, जान ही नहीं पाया मैं उसे। भैया, मम्मी हमें छोड़कर क्यों गई? भैया क्यों गई? रो मत प्रिया, मैं हूँ तेरे साथ। तो शेखर का लास्ट लोकेशन मिल गया है। छत्रभुज मार्केट प्लेस? यस सर। वो 24 तारीख को भोपाल आया था। ना तो शेखर की पत्नी सुमित्रा और ना ही रागिनी के मामा शिवलाल हमें बता पा रहे हैं कि शेखर कहाँ हो सकता है। हाँ सर, इन दोनों से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बस इतना पता चला कि शेखर अहमदाबाद में एक ट्रेडिंग कंपनी में काम करता था। कंपनी से पता चला कि वो महीने में सिक लीव लेता था और अपनी पत्नी को कहता था कि वो भोपाल काम से जा रहा है। और संतोष गुप्ता, उसके बारे में कुछ पता चला? उसके जबलपुर वाले घर का पता मिल गया, वहाँ की पुलिस उसके माँ बाप से मिल भी चुकी है। साहब संतोष यहाँ नहीं है, करीब एक साल हो गया उसे घर पर आए हुए। आप चाहो तो पूरे घर की तलाशी ले लो। तलाशी तो हम लेंगे नरेंद्र जी, लेकिन अगर हमें नहीं मिला तो आप लोग हमारी नजर में आ जाएंगे। साहब हम तो जानते भी नहीं है कि रागिनी है कौन, और रही बात संतोष की, तो जब से वो सिंगापुर गया हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी है। देखिए ये तो साफ हो चुका है कि संतोष का रागिनी के साथ 2 साल से चक्कर चल रहा था, और रागिनी संतोष के पास एक महीना रही भी थी, और अब ये भी साफ हो चुका है कि संतोष रागिनी से मिलने भोपाल आने वाला था, और जिस दौरान वो रागिनी से मिलने भोपाल आने वाला था उसी टाइम पे रागिनी का कत्ल हुआ है। देखिए भोपाल पुलिस ढूंढ रही है उसे। साहब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें डरा धमका कर कि आपको क्या मिलने वाला है? और साहब अगर हमारी उससे बात हुई होती या अगर वो यहाँ होता तो हम आपसे क्यों छुपाते? सर जबलपुर पुलिस ने पता किया, संतोष के माँ बाप को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और ना ही उसके दोस्त गौतम को कुछ पता है कि वो कहाँ रहता है सिंगापुर में या किस कंपनी में काम करता है। बबलू भी अभी तक पता नहीं लगा पा रहा कि 24 तारीख को राजमी से मिलने कौन आया था, संतोष या शेखर, और वो कहाँ मिले थे। नहीं सर उसके हाथ दोष नहीं लगे, बस इतना पता चला कि 24 तारीख को प्रशांत फैक्ट्री में था, पर अजीब बर्ताव कर रहा, नॉर्मल नहीं था। लेकिन इतना समझ में नहीं आ रहा है कि उसने रागिनी को अगर मारा तो कैसे, उसके फोन रिकॉर्ड से भी कुछ नहीं मिला। फिर उस हमसे ऐसा क्या छूट रहा है, क्या मिस हो रहा है कि सामने आ ही नहीं पा रहा कि रागिनी उस दिन संतोष या शेखर में से किसे मिली, कहाँ मिली? कहीं तो मिले होंगे ना वो लोग, अगर प्रशांत ने किसी और को भी रागिनी के पीछे भेजा होगा तो रागिनी कहीं तो गई होगी, कहीं तो उसका मर्डर हुआ होगा, किसी ने तो ये सब किया होगा ना, किसी गाड़ी किसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल हुआ होगा,
और जाहिर सी बात है मर्डर है तो पैसे भी लिए दिए गए होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि मर्डर करने वाले ने कोई गलती नहीं की? वो आराम से छुपा बैठा है, इतनी सफाई से काम किया है कि हमारे हाथ एक क्लू तक नहीं लगा। सर, इंटरनेशनल नंबर। हेलो सर, मैं संतोष गुप्ता बोल रहा हूँ। संतोष कहाँ हो तुम? हाँ संतोष कहाँ हो तुम? सर मैंने रागिनी को नहीं मारा है। देखिए सर, मैं रागिनी को भोपाल में मिला जरूर था, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा। देखिए मैं रागिनी से प्यार करता था, उससे शादी भी करना चाहता था। संतोष तुम अभी कहाँ हो? सर अभी मैं सिंगापुर में हूँ। जब मैंने न्यूज़ देखा कि रागिनी का किसी ने मर्डर कर दिया है तो 30 तारीख को मैं सिंगापुर वापस आ गया था। तुम रागिनी से मिले थे? हाँ, 23 तारीख को भोपाल में मैं रागिनी से मिला था। रागिनी, मुझे सिंगापुर में नई जॉब मिल गई है और सैलरी भी बहुत अच्छी है। तुम चलो ना मेरे साथ सिंगापुर, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। संतोष, इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर चलो ना मेरे साथ रागिनी। रागिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे हमेशा से ही लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। किस्मत ने हमें फिर से मिलाया है, इस बार मौका हाथ से मत जाने दो। 2 साल पहले भी मैंने तुम्हें मनाने की कोशिश की थी कि शादी कर लेते, नई दुनिया नया घर बनाते। रागिनी, हम जबलपुर चलते हैं, वहाँ चल के शादी कर लेते। वहाँ पे मेरा अपना घर है, मम्मी है, पापा है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं संतोष, मैं अपने घर जाऊँगी। पर क्यों? वो घर तो तुमने छोड़ दिया ना रागिनी, फिर क्यों वापस जाना चाहती हो? बच्चों के लिए, मुझे उनकी याद आ रही है। रागिनी, पूरा 1 महीना हो गया तुमको घर छोड़े हुए, और इस 1 महीने में ना तो तुम्हारे पति ने तुमको ढूंढने की कोशिश की है, ना ही तुम्हारे बच्चों ने, फिर क्यों जाना चाहती हो उस घर में? देखो संतोष, मुझे प्रशांत की चिंता नहीं है, पर राजू और प्रिया मेरे बच्चे हैं। अब तक तो प्रशांत ने उन्हें बता दिया होगा कि मैं उन्हें छोड़कर चली गई। रागिनी रागिनी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए? तुम प्रशांत के साथ खुश नहीं थी इसलिए मेरे पास आई ना। अब मेरे पास खुश हो तो खुश रहो ना। रागिनी, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, तुमको जिंदगी भर खुश रखूंगा। एक काम करते, हम अभी शादी करते हैं, आज। नहीं संतोष, बेहतर यही होगा कि मैं अपने घर चली जाऊं। रागिनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और मैं फिजिकल रिलेशन की बात नहीं कर रहा, सारी जिंदगी साथ देने की बात कर रहा। रागिनी, मैं सिंगापुर से सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, प्लीज हाँ कर दो। रागिनी क्या सोच रही है, प्लीज चलो ना मेरे साथ। संतोष, इस तरह से अचानक उठ के मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? 2 साल पहले भी तो अचानक ही होशंगाबाद आई थी ना मेरे पास, तुमने मुझे तक नहीं बताया था, सीधा आके डोरबेल बजाई थी, और जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने तुम खड़ी थी, फिर अब क्यों नहीं? संतोष, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। रागिनी, 2 साल हो गया, ठीक है तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो, लेकिन मैं भी तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक तुम हाँ नहीं कर देती। मैंने उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, पर वो मेरे साथ नहीं आई। मैं भोपाल में ही था, उसकी हाँ सुनने के लिए उसे फ़ोन करता रहा, उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया, और 24 के बाद तो उसका फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया। तो तुम तब भी भोपाल में ही थे? हाँ, मैं भोपाल में था, होशंगाबाद में, और फिर मैंने न्यूज़ देखी कि रागिनी का मर्डर हो गया, तो मुझे लगा रुकने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं वापस सिंगापुर आ गया। संतोष गुप्ता, तुम्हारी ये सफाई काफ़ी नहीं है। ये बिल्कुल मत समझना कि तुमने सामने से फोन किया है तो तुमने जो भी कहा उस पर हमने पूरी तरह से यकीन कर लिया। और इस गलत फहमी में तो बिल्कुल मत रहना कि तुम सिंगापुर में हो तो हम तुम्हें छू नहीं पाएंगे। हेलो हेलो, फिर इसके बाद वहीं तक सच होगी जहां तक ये रागिनी को मना रहा है। रागिनी के मना करने और इसके ये बात मान लेने की कहानी सब बकवास हो सकता है। बकवास हो फिरोज, पर मुझे ये रागिनी समझ में नहीं आ रही, क्या औरत थी ये? एक तरफ शेखर, एक तरफ संतोष, 2 बच्चे भी थे, ये कर क्या रही थी, चाहती क्या थी? सर, राजनगर पुलिस स्टेशन से फोन आया था, उन्हें एक डेड बॉडी मिली। किसकी? शेखर प्रजापति की। डेड बॉडी बोरी में थी। We'll be right back.
बोरी तो बिल्कुल वैसी है जिस बोरी में हमें रागिनी की लाश मिली। फिर उस बॉडी की हालत देख रहे हैं, जिस तरह से डीकम्पोज हुई है उसे देखकर साफ लग रहा है कि इसका मर्डर भी काफी दिन पहले हो चुका है। क्या हुआ? क्या हुआ? पुलिस को शेखर की डेड बॉडी मिली। एक दूसरी लाश जो पहले से मौजूद थी लेकिन पुलिस को आज मिली थी, शेखर प्रजापति की थी। उस शेखर प्रजापति की जिसके रागिनी के साथ नाजायज संबंध थे। पहले रागिनी की लाश मिलती है जिसकी बेरहमी से गला दबाकर हत्या की गई और फिर कुछ दिन बाद शेखर की लाश सामने आ गई। अब पुलिस के लिए इस केस में दो अहम संदिग्ध होने वाले थे, पहला रागिनी का पति प्रशांत और दूसरा उसका चाहने वाला संतोष गुप्ता जो पहले ही सिंगापुर जा चुका था। शेखर की मौत का कारण पुलिस के लिए एक और बड़ा झटका साबित होने वाला था। इंस्पेक्टर, इसकी मौत को भी 72 घंटे से ज्यादा बीत चुके। एक्चुअली बॉडी जिस हालत में मिली है या जिस तरह से डीकम्पोज हो चुकी है, सही वक्त बताना मुश्किल है। पर ऐसा हो सकता है कि इसका मर्डर भी रागिनी की तरह 24 अप्रैल को ही हुआ हो। हाँ, हो सकता है दोनों की मौत 24 अप्रैल को ही हुई हो, पर इसका मर्डर नहीं हुआ। मर्डर नहीं हुआ तो इसकी बॉडी से पॉइजन के ट्रेसेस मिले, वो भी बड़ी मात्रा में। पॉइजन? जी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि शेखर का मर्डर नहीं हुआ बल्कि इसने आत्महत्या की है? इतना तो श्योर होकर बोल सकता हूँ कि इसको जहर जबरदस्ती नहीं दिया गया। हाँ, किसी चीज में मिक्स करके दिया हो तो पता नहीं। कैसे मारा तूने रागिनी को? शेखर को जहर कैसे दिया? अब ये मत कहना कि तुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि हमें पता है कि 24 तारीख को तू अपनी फैक्ट्री के स्टाफ को जानबूझ के ये जता रहा था कि तू वहां है। किसे भेजा था उनके बीच? ये बेबस बनने का नाटक खत्म हुआ प्रशांत। याद रख, तुझे अपने बच्चों का सामना भी करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का एहसास है कि उनकी माँ का कत्ल तूने किया है। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ सर, हमेशा उनका ख्याल रखू। रागिनी अब उनके साथ नहीं है तो क्या उनके दिल दिमाग और यादों में हमेशा रहे? ये संत बनने का नाटक बंद कर प्रशांत, और ये बता कि रागिनी का मर्डर कैसे किया, कहां किया, शेखर को जहर कैसे दिया, कैसे मारा तूने इन दोनों को? राजू और प्रिया, शेखर की बेटी नेहा, इन सब मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं की सर, मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद, किसी को कोई दुख नहीं दिया मैंने, पर रागिनी ने सब बर्बाद किया सर। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रागिनी के शेखर और संतोष नाम के आदमियों के साथ नाजायज संबंध। सर ये बात सच है और हमेशा सच रहेगी। आप चाहे मुझ पर कितना भी शक करो कि मैंने मारा है रागिनी को, सर मारा होता ना तो कबूल करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये बात किसी से नहीं छुपी कि रागिनी मेरे साथ खुश नहीं थी और ना ही मैं उसके साथ खुश थी। और ये बात भी नहीं छुपी कि हमारी शादी में कुछ नहीं बचा था, मर चुकी थी वो। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि मैंने अकेले बच्चों को कैसे पाला है। माँ के होते हुए वो माँ जो बस लगातार फोन पे लगी रहती थी, 24 घंटे किसी के साथ बातें करती रहती थी। सर आपके सामने तो सिर्फ शेखर और संतोष के नाम आए ना, और न जाने कितने नाम और भी होंगे, लोग होंगे जो अभी तक बाहर नहीं आए, छुपे हुए हैं। कैसा महसूस होता होगा मुझे एक पति को जब उसकी पत्नी बिना कुछ बताए घर के बाहर इसलिए निकलती ताकि वो दूसरे मर्दों के साथ नाजायज संबंध बना सके, अपने सुख के लिए, अपने परिवार, अपने गृहस्थी, यहाँ तक कि अपना बच्चों का भविष्य दांव पे लगा दे। सर मेरी बात छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। पर वो क्या थी, ऐसा क्यों कर रही थी सर वो? मैं क्या, उसके खुद के मामा जी भी पता नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। नीता, फॉरेन कमिश्नर ऑफिस रिक्वेस्ट भेजो संतोष को सिंगापुर से इंडिया लाने के लिए। मुझे किसी भी कीमत पर वो आदमी यहाँ चाहिए। सर अभी भेज दे। एक औरत ऐसे ही किसी को गार्डन में मिली, कोई आया उसका गला दबाया, एक और आदमी को जहर पिला के मार दिया, ऐसा नहीं हो सकता फिरोज।
जरूर शेखर और रागिनी कहीं मिले होंगे किसी ऐसी जगह पर जहां संतोष या प्रशांत ने उनका पीछा किया और मार डाला। बबलू से कहो एक टीम से काम नहीं हो रहा, 10 लगाए और चाहिए और लगाए, लेकिन किसी भी तरीके से यह पता लगाए कि उस दिन शेखर और रागिनी कहां गए। कोई तो ऐसा होटल या लॉज होगा जहां उनका पीछा किया गया, दोनों का मर्डर किया गया। सर मैंने रागिनी और शेखर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी थी। फिर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा है मुझे पता है, लेकिन मुझे किसी भी तरह उस आदमी का पता लगाना है जिसने ये मर्डर्स किए हैं। हम गोल 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 घूमे जा रहे हैं। एक दिन दो बच्चे आते हैं अपनी माँ को ढूंढते हुए, हमें उनकी माँ की बजाय उसकी डेड बॉडी मिलती है, फिर उसके प्रेमी की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन ये क्लू नहीं मिलता कि किसने मारा, क्यों मारा। सर शेखर का मर्डर नहीं हुआ, उसने सुसाइड किया। फिर उस तुम्हारा दिमाग ठीक है, वो सुसाइड क्यों करेगा? और अगर उसने सुसाइड किया भी है तो रागिनी का तो मर्डर हुआ है ना। सर मुझे लगता है शेखर ने रागिनी का मर्डर किया होगा। और उसको मारने के बाद उसने सुसाइड कर लिया। पहले उसने रागिनी को मारा, फिर उसने सुसाइड किया, और फिर आसमान से कोई टपका जिसने दोनों की डेड बॉडी को बोरे में डाल के ठिकाने लगा दिया। फिर उस मुझे कोई थ्योरी नहीं चाहिए, ये केस ऐसे बंद नहीं हो सकता। मुझे किसी भी हाल में उस मर्डर का पता लगाना है। उसने क्यों मारा, कहां मारा, कैसे मारा, किस मकसद से मारा, इन सभी सवालों के जवाब चाहिए। अंडरस्टूड? राइट। रागिनी और शेखर कहां मिले थे, रागिनी को कहां मारा गया, शेखर को कहां जहर दिया गया, या उसने खुद अपनी जान ली, इन सभी सवालों के जवाब और सच की खोज में पुलिस ने पूरे भोपाल शहर को खंगालने की ठान ली। दूसरी तरफ संतोष को सिंगापुर से इंडिया वापस लाने की कोशिशें भी तेज कर दी गईं। एक बार पुलिस से बात करने के बाद संतोष ने अपना फोन स्विच ऑन किया ही नहीं। वो ना तो अब किसी फोन और ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रहा था। सर बबलू बोल रहे हैं कि हमें होटल डीटी प्लाजा एक बार देख लेना चाहिए। क्यों, कुछ मिला तुझे वहां? नहीं सर, कुछ नहीं मिला, इसी के लिए तो बोल रहा हूं। बबलू अंधेरे में तीर मत चला, मुझे इस केस में स्ट्रॉन्ग लीड चाहिए। इस बात की लीड कहीं से नहीं मिल पा रही है कि रागिनी और शेखर मार्केट में मिलने के बाद गए कहां। सर मैंने हर लॉज छान मारा, डीटी प्लाजा आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि सर इसका जो मैनेजर है गौरव सिंधिया, वो मुझे रजिस्टर दिखलाने से मना कर रहा है। 24 तारीख को रागिनी और शेखर नाम से कोई एंट्री नहीं है रजिस्टर में, मैंने चेक किया है, वो लोग यहाँ पे नहीं है। अरे हाँ तो कौन सा असली नाम लिखवाने वाले थे रजिस्टर में, नाम बदल के आए होंगे। हाँ अगर नाम बदल के भी रहते तो शक्ल तो याद रहती ना, और वैसे भी 24 तारीख को होटल पूरा खाली ही था। मैं कह रहा हूँ ना कि वो लोग यहाँ पे नहीं है। सर ये बोल के उसने मुझे डरका दिया, पर छोटा सा होटल है, और फील्डिंग की तो पता चला होटल में काम करने वाला एक बंदा है सुनील मीणा नाम का, जो लंबी छुट्टी पर गया है। बबलू भाई झोल क्या है वो तो पता नहीं, लेकिन उस होटल में एक वर्कर सुनील मीणा 27 अप्रैल से गायब। गायब है मतलब? मतलब लंबी छुट्टी। तो मतलब तेरे को लगता है उसने कुछ झोल किया क्या? हाँ भाई, क्योंकि जानता गणेश ये शेखर और रागिनी कहाँ मिले, मिलकर कहाँ गए, कौन से चद्दर पलटी होटल में रुके, कुछ पता नहीं चल पा रहा भाई। होटल तो ये भी चद्दर पलटी, और मालिक है एकदम कंजूस, मतलब इतना कंजूस है ना कि एक भी रूम खाली रह जाए तो मर जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों तक ये होटल बंद था। सर सुनील मीणा लंबी छुट्टी पर चला जाता है, 24 अप्रैल के बाद 27 तक होटल बंद रहता है, होटल का मैनेजर रजिस्टर दिखलाने से मना करता है। सर मैं पक्का बोल रहा हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ झोल तो है। डीटी प्लाजा होटल के बारे में मिली ये छोटी सी जानकारी इस केस में बड़ा खुलासा करने वाली थी। एक छोटी सी लीड की तलाश में भटकती पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल होने वाली थी। डीटी प्लाजा होटल में कुछ नहीं बहुत कुछ घटा था।
तो ही है ना गौरव सिंधिया, यहाँ का मैनेजर। हमारे आदमी को रजिस्टर क्यों नहीं दिखा रहा था? चल रजिस्टर निकाल। सब ये रहा। इसमें तो एंट्री 29 अप्रैल से है, उसके पहले की कहाँ है? वो तो नहीं है सब, क्योंकि मालिक हर महीने रजिस्टर बदल देते हैं। हिसाब किताब के लिए पुराना रजिस्टर साथ ले जाते हैं सब। पुराना रजिस्टर अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन अप्रैल का महीना 30 का होता है और इसमें एंट्री 29 तारीख से है, तो नया रजिस्टर लगाने के लिए महीना खत्म होने का इंतजार क्यों नहीं किया? सब वो इस बार थोड़ा जल्दी लगे सब। सुनील मीना नाम का एम्प्लॉय यहीं काम करता है ना? जी सब। कहाँ है वो, बुलाओ उसे। साहब वो छुट्टी पे है, गाँव गया सब। बड़ा शहंशाह आदमी है, गाँव गया है और फोन बंद करके बैठा है। वैसे तेरे मालिक धर्मेंद्र तिवारी का भी फोन बंद है, उसका घर भी बंद है, ताला लगा है। तेरा मालिक भी गांव गया है, चल कर आया। तूने बबलू से कहा था कि 24 तारीख को ये दोनों यहां नहीं आए थे? सीधा सीधा बोल, धर्मेंद्र तिवारी और सुनील मीना कहां है, वरना तुझे भी गांव भेज दूंगा और कभी वापस नहीं आ पाएगा। मालिक अपनी फैमिली के साथ दुबई भाग गए सब, और सुनील अपने गांव गया है सागर। मतलब रागिनी और शेखर 24 तारीख को यहां आए थे? जी साहब, लेकिन साहब मुझे इनका नाम नहीं मालूम साहब, क्योंकि ये दोनों रजिस्टर में अलग नाम से एंट्री किए थे साहब। इन दोनों को किसने मारा? इसने या इसने? अनीता, कैलाश मौर्य नाम का एक आदमी आया है। कौन है? सर ये 24 तारीख को डीटी प्लाजा में था, बोल रहा है इसने रागिनी और शेखर को देखा था रूम नंबर 104 में। हमें भी यहाँ बहुत कुछ मिला है। रागिनी और शेखर 104 नंबर में रुके थे। गौरव फोन ही नहीं उठा रहा। तो होटल के लैंडलाइन में फोन करो ना। किया था पर वहां कॉन्स्टेबल था इसलिए बात नहीं हो पाई। पुलिस को सब पता चल गया क्या? सर मैंने इस औरत की फोटो अखबार में देखी थी कुछ दिन पहले। तो जब देखी थी तब क्यों नहीं आया हमारे पास? सर मैं बहुत डर गया था उस दिन, मैं डीटी प्लाजा में रूम नंबर 102 में रुका था। वो मैं क्या? सर मैं एक लेडी के साथ गया था, बीबी को झूठ बोला था कि इंदौर जा रहा हूँ कुछ काम से। देख कैलाश, हमें तेरे अफेयर में कोई दिलचस्पी नहीं, रागिनी और शेखर के बारे में बता। ये दोनों रूम नंबर 104 में रुके थे, इतना चिल्ला रहे थे, इतना झगड़ा कर रहे थे कि मैं परेशान हो गया था। एक बार नहीं बोला ना? देखो शेखर, तुम ऐसा जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। या तो तुम अभी डिसाइड करो, या आज हम दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा, बोल रहा हूँ मैं। तुम्हें होश भी है तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तुम्हारी भी फैमिली है और मेरी भी, हमारे भी जो है उससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता, और उससे ज्यादा तुम डिमांड भी नहीं कर सकते। हाँ क्या भाई? सॉरी यार, थोड़ा धीरे बात करो, यहाँ तुम लोग चिल्ला रहे हो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। हम अपने रूम में चिल्ला रहे हैं, तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है ना? तुम अपने रूम में रहो ना। भाई मैं अपने ही रूम में हूँ, तुम्हारी आवाज वहां तक आ रही है। हाँ ठीक है, सॉरी अब नहीं आएगी। जब इतना बोलने के बाद भी इनका झगड़ा बंद नहीं हुआ, थक हार के मुझे रूम सर्विस पे फोन करना। यही था वो आदमी, रूम सर्विस वाला जिसे तुमने बुलाया था? हाँ सर यही था। शेखर अब तुम मेरी नाक में दम कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो मुझे। तो अब मैं प्रशांत की जगह ले ली, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। शेखर मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं बिताना चाहती, अभी सब कुछ कितना अच्छा है हमारे बीच। मतलब तुम ये चाहती हो कि मैं अहमदाबाद से अपने बीवी बच्चों को छोड़कर तुम्हें खुश करने यहाँ आता रहूं और तुम मेरी खुशी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखोगी? एक मिनट, मैं भी अपने पति और बच्चों को छोड़कर आ रही हूँ यहाँ, और तुम यहाँ सिर्फ मेरी खुशी के लिए नहीं अपनी खुशी के लिए भी आते हो, और हमेशा से यही रहा था हमारे बीच और यही रहेगा, और इससे तुम नहीं मांग सकते। मांग सकता हूँ, बिल्कुल मांग सकता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसी वक्त तुम्हें हाँ बोलना पड़ेगा, तुम मना नहीं कर सकते। तुम होश में तो हो? तुम हमारे बीच शादी की बात कब हुई थी? मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? एक शादी करके देख लिए मैंने और अब तक पछता रही हूँ, बच्चे हैं इसलिए झेल रही हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे ये नखरे नहीं झेलूंगा रागिनी। क्या हुआ? सर
सामने वाला थोड़ा परेशान हो रहा है, थोड़ा धीरे बात कीजिए ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। फिर रात के करीब 12-12:30 बजे के बाद उस कमरे से आवाज आनी बिल्कुल बंद हो गई। फिर मैंने सुबह 7 बजे होटल छोड़ दिया। तुम्हारे साथ कौन थी उस दिन, वो लेडी? प्लीज मैडम, इसमें हमें मत घसीटिए। वो भी शादीशुदा है और मैं भी, बेकार में हम दोनों के घर टूट जाएंगे। तुझे अपना बयान डिटेल में लिखवाना होगा। अगर तू हमारे पास पहले आ गया होता ना, तो ये केस बहुत पहले सॉल्व हो गया होता। सुनील मीना जो सागर में अपना मोबाइल बंद करके बैठा था, पुलिस ने उसे सागर के ही उसके घर से अरेस्ट किया। रागिनी के कत्ल और शेखर की मौत का सच चौंका देने वाला था। क्या हुआ था रेडी प्लाजा में? और सुनील मीना हमारे कब्जे में है, तो ये मत समझना दुबई में बैठा तेरा मालिक तुझे बचा लेगा। मैडम साहब, मैं तो सिर्फ नमक का फर्ज अदा कर रहा हूँ साहब, उनको मारने मेरा हाथ नहीं है साहब, मैंने नहीं मारा। ये डायलॉग बाजी बंद कर, अगर तेरा हाथ नहीं है तो रागिनी और शेखर को मारा किसने? होटल में से किसी का हाथ नहीं साहब, किसी ने नहीं मारा। तो फिर रागिनी और शेखर मरे कैसे? 25 तारीख की सुबह जब सुनील रूम सर्विस के लिए गया था साहब, तो वो लोग दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे साहब। सुनील ने मुझे बताया तो मैं चेक करने के लिए गया था। रात में झगड़ा कर रहे थे, अब दरवाजा नहीं खोल रहे, बैल बजा बजा के थक गया सर मैं। चंद्र प्रकाश जी, गरिमा जी, हम समझ ही नहीं पा रहे थे वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे। जब उन्होंने दरवाजा खोला नहीं था, तब मैंने मास्टर किसे दरवाजा खोला साहब। चंद्र प्रकाश जी, गरिमा जी, चंद्र प्रकाश जी, गरिमा जी, इसकी तो सांसें नहीं चल रही हैं। इसकी भी सांसें नहीं चल रही हैं। सब मैंने तुरंत तिवारी जी को फोन किया साहब, वो फौरन अपने बेटे करण के साथ होटल आ गए। पापा दोनों मर चुके। कैसे हुआ ये, किसने किया? सर पता नहीं सर। सर ये दोनों रात भर बहुत जोर से झगड़ा कर रहे थे, सुबह हमने दरवाजा खोला तो देखा दोनों मरे पड़े हैं। गौरव तुमने CCTV चेक किया, कोई आया था इस कमरे में? हाँ सर चेक किया था, कमरे में कोई नहीं आया था, कमरा अंदर से बंद था सर, हमने खुद मास्टर किसी दरवाजा खोला है सर। सर इन दोनों के बीच में बहुत जोर से लड़ाई चल रही थी, मैंने सुना था ये आदमी इस औरत को शादी के लिए बोल रहा था और ये औरत बार बार मना कर रही थी। पापा एक मिनट, ये बॉटल देखिए, इसमें शायद जहर था। सर मैंने खुद CCTV चेक किया सर, कमरे में कोई नहीं आया था सर, हो सकता है इस आदमी ने पहले उस औरत को मारा हो और बाद में जहर पी लिया। Oh my God. सर ये देखिए एंट्री। पापा इनके पर्सन की आईडी कार्ड मिले, लड़की का नाम था रागिनी गोयल और लड़के का नाम शेखर प्रजापति। सर वो तो मैं देखते ही समझ गया था कि दोनों फर्जी नाम से ठहरे हैं। अब क्या करें, पुलिस के पास जाएंगे तो खामखा बात फैलेगी, होटल का नाम खराब होगा, धंधा बंद हो जाएगा और हम सब फंस जाएंगे वो अलग। ये पुलिस तो ये मानेगी नहीं कि इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और इसलिए इस आदमी ने ये सब किया है। पापा हम इनको जानते ही नहीं है, इन्होंने रजिस्टर में भी गलत नाम लिखा है, इनके फैमिली वाले जो भी है यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तुम कहना क्या चाहते? यही कि अगर हम इनकी बॉडी ठिकाने लगा दें तो किसी को पता ही नहीं चलेगा ये लोग यहाँ कभी आए भी थे या इधर कुछ भी हुआ था। सर सुनील ने कबूल किया किसी ने लाश ठिकाने लगाई थी? और मालिक का नमक है साहब, अब आप ही बताओ मालिक के साथ नमक हरामी कैसे कर सकते थे? और सब सच कह रहे, इसमें हमारे मालिक का भी कोई कसूर नहीं है साहब। तूने भी नमक खाया है साहब? ये बोल बॉडीज को ठिकाने कैसे लगाया, गाड़ी किसकी थी? सब वो गाड़ी मेरे दोस्त बिरजू की थी। सब पहले हमने उस औरत की बॉडी को हुसैन नगर के नाले में फेंका और फिर आदमी की बॉडी को चंद्र नगर के जंगल में फेंक दिया। होटल में कहीं भी CCTV नहीं दिखा?
सब उखाड़ दिए। वो तो मालिक ने ही कहा था साहब कि सीसीटीवी रजिस्टर हटा दो, वो सब अपने साथ लेके गए साहब। सब तुम्हारा मालिक धर्मेंद्र तिवारी और उसका बेटा करण दुबई में कहाँ छुपे बैठे? पता नहीं सब किसी होटल में है साहब। अभी भी झूठ बोल। देखो सोच लो तुम दोनों, नहीं तो मर्डर करने, मर्डर छुपाने, लाश ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने के सारे चार्जेस लगेंगे तुम दोनों। इस जिंदगी में तो बाहर नहीं आ पाओगे। साहब सच में मुझे कुछ नहीं पता, हमने नहीं मारा उन दोनों को साहब। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, दुबई के किस होटल में है तेरा मालिक? धर्मेंद्र तिवारी इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि सारी जिंदगी दुबई में छुप के बैठ सकते हो। भलाई इसी में है कि चुपचाप वापस आ जाओ, वरना तुम्हारी वो हालत करेंगे। सर सर मेरी बात सुनिए सर, हमने तो सिर्फ बॉडी फेंकवाया था सर, और वो भी हमने इसलिए किया क्योंकि हम बहुत डर गए थे सर। तिवारी तूने क्या किया था क्या नहीं किया था ये मैं तभी सुनूंगा जब तू मेरे सामने होगा, अभी मैं तेरी किसी भी बात का यकीन नहीं कर रहा। सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज दोनों है सर, आप चाहे तो देख लीजिएगा। उस कमरे में कोई नहीं गया सर, उस आदमी ने खुद उस औरत को मारा है और फिर कुछ जहर पी लिया। तिवारी मैं तुझे एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, रजिस्टर सीसीटीवी और अपने बेटे के साथ तू मेरे सामने होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ और तूने वहां से कहीं और भागने की सोची तो याद रख तुझे वहीं से उठवा लूंगा, और इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि तुम दोनों इसके बाद ये जिंदगी जीना नहीं चाहोगे। सर मेरी बात सुनिए सर, सर सर मैंने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के फिगर आउट किया था वो थ्योरी नहीं सच था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसी वक्त तुम्हें हाँ बोलना पड़ेगा, तुम मना नहीं कर सकते। तुम एक बार नहीं बोला ना, देखो शेखर तुम ऐसा जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि शेखर पहले से जहर अपने साथ लेके आया था, मतलब उसने सोच रखा था कि अगर रागिनी ने शादी के लिए हाँ की तो ठीक, वरना वो उसे और अपने आप को मार देगा, करो या मरो वाली हालत। सुमित्रा और उसकी बेटी नेहा के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि शेखर उन्हें धोखा दे रहा था, और उससे भी आगे बढ़कर उसने एक ऐसा जुर्म किया जिससे वो दोनों शायद जिंदगी भर नहीं उभर पाएंगी। प्रशांत और रागिनी के मामा शिवलाल के लिए रागिनी को समझना पहले ही मुश्किल था, और अब शेखर के हाथों हुई उसकी हत्या ने उन्हें और भी सोच में डाल दिया कि आखिर रागिनी चाहती क्या थी, कर क्या रही थी। संतोष गुप्ता तक पुलिस दोबारा नहीं पहुंच पाई, और अब उसकी जरूरत भी नहीं थी क्योंकि साफ हो चुका था कि रागिनी की हत्या से उसका कोई वास्ता नहीं था। धर्मेंद्र तिवारी और उसके बेटे करण तिवारी ने दुबई से वापस आकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। धर्मेंद्र तिवारी, करण तिवारी, सुनील मीना और गौरव सिंधिया पर आईपीसी की धारा 201B के तहत सबूत मिटाने के जुर्म में केस चल रहा है। डीटी प्लाजा होटल के मालिक से मिली सीसीटीवी फुटेज से साबित हुआ कि 24 अप्रैल की रात जब रागिनी का कत्ल हुआ और शेखर की मौत हुई, उस दिन रागिनी और शेखर के कमरे में कोई दाखिल नहीं हुआ था। राजू, प्रिया, मुझे पता है कि आप लोग बहुत दुखी हो, इतना आसान नहीं इस दुख को बुलाना, पर आप दोनों को स्ट्रांग बनना होगा। आपके पापा आपके साथ हैं और वो हमेशा रहेंगे, और अपनी मम्मी के साथ बिताए वो दिन याद करना जब आप सब बहुत खुश थे, सब ठीक था। प्रशांत, आप बहुत मजबूत इरादों वाले सचमुच भले इंसान, बच्चों को अब आपकी पहले से कहीं ज्यादा जरूरत, वो दुखी हैं, सदमे में हैं, उनका ध्यान रखना। जब बड़े गलती करते हैं तो उस गलती का सबसे ज्यादा बुरा असर बच्चों पर पड़ता है। जब घर के स्तंभ, घर के नींव, माता पिता ये गलत रास्ता चुनते हैं जो रास्ता उन्हें परिवार से दूर ले जाता है, तब पीछे छूट जाते हैं मासूम बच्चे जिनकी जिंदगी तहस नहस हो जाती है। परिवार एक इमारत की तरह से होता है जिसे सब लोग मिलकर मजबूत बनाते हैं। ये इमारत प्यार, लगाव, फिक्र और सम्मान पर टिकी होती है। किसी भी परिवार के फलने फूलने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, और मासूम बच्चों को माता पिता दोनों की ही बराबर जरूरत होती है। पर इसका यह मतलब कतई नहीं है कि मजबूरी में साथ रहा जाए। बेशक बच्चे उस वक्त अलग होने के फैसले की अहमियत को ना समझ पाए, पर सही समय पर लिया गया फैसला जिंदगी सुधार भी सकता है। और दूरी से रिश्ता खत्म नहीं होता है,
बल्कि दो लोगों के बीच कड़वाहट बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। रागिनी और शेखर ने इस रिश्ते से क्या हासिल किया, बल्कि संतोष ने भी क्या पाया? शेखर और रागिनी के बीच जो कुछ भी हुआ उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मरने के बाद जिसने उन्हें देखा, वहां जो सुराग मिले उनके मुताबिक कुछ भी साफ नहीं है। बस इतना पता है कि वहां एक जुर्म हुआ, हत्या हुई और किसी ने जहर पिया। इस सब में सच सिर्फ ये था कि दो मासूम बच्चों ने अपनी मां को खोया और एक ने अपने पिता को। ये वो दुखद सच है जिसे झूठ में भी सच नहीं होना चाहिए था। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।